विगत चार वर्षों से पूरे मध्य प्रदेश का अध्यापक शिक्षक संवर्ग, जब से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में जिन कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू थी उनको पुरानी पेंशन लागू कर दी गई, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जितना भी कर्मचारी है जिनको अंशदायी पेंशन लागू है वह चाहता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी पुरानी पेंशन लागू करे। हमारे जो अध्यापक शिक्षक संवर्ग के साथी हैं जिनकी 2006 में नियुक्ति हुई, 7 में नियुक्ति हुई, 8 में, 9 में, 10 में, उनको 2018, 2019, 2020, 21, 22 में 12 साल की सेवा के बाद प्रोन्नति के आदेश हो जाना थे, जो कि आज तक अधिकारियों ने न हमारी बात को सुना, न मुख्यमंत्री जी की बात को सुन रहे और ना ही स्कूल शिक्षा मंत्री जी की बात को सुन रहे। इसको लेकर के हमारे शिक्षकों में क्रमोन्नति को लेकर के बहुत नाराजगी है। जो हमारे शिक्षक विगत वर्षों में दिवंगत हो गए हैं उनकी विधवाओं को ना आज तक पेंशन मिल रही है और ना उनके आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है। हमारे जो गुरुजी हैं विगत 2008 से अपनी नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता की मांग कर रहे हैं, आज दिनांक तक उनको वरिष्ठता के लिए कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है। इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको ठेकेदारों के हवाले कर दिया है, उनको भी हम चाहते हैं कि शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिले और उनको नियमित किया जाए। जो अतिथि शिक्षक है यदि सरकार ने शिक्षा कर्मी कैडर, संविदा कैडर और अध्यापक कैडर समाप्त किया है तो हम चाहते हैं कि अतिथि कैडर भी समाप्त करें और उनको भी शिक्षक संवर्ग में शामिल किया जाए। इसी प्रकार से मोबाइल स्रोत समन्वयक हैं उनकी भी मांगों का निराकरण किया जाए और उनको नियमित विशेष शिक्षक के रूप में दर्जा दिया जाए। यदि सरकार, हमने अभी 13 तारीख को भोपाल में 3-3 स्थानों की परमिशन मांगी थी, सरकार ने परमिशन नहीं दी थी, उसके बाद वहां पर भगाया गया, अध्यापकों को मारा गया, 75,000 अध्यापक गए हुए थे और वहां से अध्यापकों को लौटाया गया। हमने 14 तारीख से जिले और ब्लाक स्तर पर धरना पूरे मध्य प्रदेश में चालू किए हैं। इसी कड़ी में हमारे जबलपुर में भी आज धरना होना था लेकिन यहाँ पर जो हमने अनुमति मांगी है उस संबंध में यहाँ पर टेंट लगाने के लिए इन्हें अनुमति नहीं दी। अब कल से हमारा अनवरत यहाँ पर आंदोलन चलेगा और जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाली क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं हो जाते हैं, जब तक अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हो जाते हैं, गुरुजी की वरिष्ठता के आदेश जारी नहीं हो जाते हैं, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटरों के आदेश नहीं हो जाते, हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। सरकार जितनी बड़ी कार्रवाई करेगी हम उतना बड़ा हो आंदोलन करने के लिए तैयार। तो कल से आप लोग हड़ताल पर? हम 13 तारीख से ही हड़ताल पर हैं। भरत पटेल, प्रांत अध्यक्ष, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ।